तो मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में अब बचे हुए क्वेश्चन करेंगे उनमें से पहला क्वेश्चन है गेलवेनोमीटर का आपने पढ़ा हुआ है मूविंग कॉइल गेलवेनोमीटर और करंट सेंसिटिविटी आप जानते होंगे करंट सेंसिटिविटी किस तरह डिफाइन होती है करंट सेंसिटिविटी होती है थीटा अपॉन आई और इसका मीनिंग क्या है यदि छोटा सा करंट लार्ज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है तो हम बोलते हैं वो गेलवेनोमीटर सेंसिटिव है तो है करंट सेंसिटिविटी और इसका रेसिप्रोकल कहलाता है फिगर ऑफ मेरिट वन अपॉन करंट सेंसिटिविटी ये भूल जाते हैं हम फिगर ऑफ मेरिट ठीक है वन अपॉन करंट सेंसिटिविटी ऑब्वियसली ये होगा आय अपॉन थीटा उस गैल्वेनोमीटर में कुछ करंट पास करेंगे और देखेंगे कि उसमें कितना डिफ्लेक्शन आ गया आय डिवाइडेड बाय थीटा विल गिव फिगर ऑफ मेरिट अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं अ गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर डिटेक्टिंग द नल पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट्स जैसे मीटर ब्रिज में जैसे पोटेंशियोमीटर में हम नल पॉइंट फाइंड करते हैं और वो नल पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए एक गैल्वेनोमीटर यूज हुआ है आगे बोल रहे हैं इफ ऑन पासिंग अ करंट ऑफ सिक्स मिली एम इट प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ टू डिग्री इट्स फिगर ऑफ मेरिट इज क्लोज टू तो बस फिगर ऑफ मेरिट के लिए ये फॉर्मूला आपको यदि याद आ गया तो आपका काम बन जाएगा आई अपॉन थीटा करंट अपॉन डिफ्लेक्शन तो करंट कितना बोला हुआ है सिक्स मिली एम्पियर का करंट पास करने से इसको हमने एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया कितना डिफ्लेक्शन आता है टू डिग्री और एक डिवीजन यदि एक डिग्री के बराबर है यहाँ इनको डिविजन्स बोलना चाहिए था हम सपोज कर लेंगे कि एक डिग्री एक डिवीजन के बराबर है या एक डिवीज़न एक डिग्री के बराबर है तो यहाँ टू डाल देंगे टू डिविजन तो एमपीय पर डिवीजन में आपका आंसर आ जाएगा थ्री टाइम्स टेन रेज टू दी पावर माइनस थ्री एमपी पर डिविजन तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बशहरते आपको यह पता हो फिगर ऑफ मेरिट होता है आई अपॉन थीटा तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया ऑप्शन ऑप्शन टू इज करेक्ट थ्री इंटू टेन रेइज टू दी पावर माइनस थ्री एमपी ओर पर डिविजन इज द आंसर अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर तो एक गैल्वेनोमीटर के साथ जब हम क्या करते हैं एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तब बन जाता है वोल्ट मीटर और आईजी आप जानते होंगे आईजी किसको कहते हैं हम करंट करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन इसको ऑप्शंट भी बोल सकते हैं तो गैल्वेनोमीटर के साथ हाई वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करने से बनता है वोल्ट मीटर और ये आई है करंट करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल रिफ्लेक्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ गेलवेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी इज कन्वर्टेड इन टू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज जीरो टू वन वोल्ट बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंस आर वन एन सीरीज केस वन एक गेल्वेनोमीटर है जिसका अपना रेजिस्टेंस कितना है जी और उसके साथ सीरीज में कनेक्ट किया है एक रेजिस्टेंस आर वन तो ये वन वोल्ट की रेंज का वोल्ट मीटर बन गया ये वोल्टा नहीं होगा ये वोल्ट मीटर है ठीक है इसको वोल्ट मीटर पढ़ना चाहिए तो ये बन गया वोल्ट मीटर और आई क्या है आई है करंट करस्पॉन्डिंग टू फुल स्केल रिफ्लेक्शन तब ये कितना नाप पा रहा है अब मैक्सिमम मैक्सिमम नाप पा रहा है ये वन वोल्ट तो इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं वन वोल्ट इज इक्वल टू ये सब आपका पढ़ा हुआ है इसलिए मैं ज़्यादा उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं तो G प्लस आर वन जी प्लस आर वन टाइम्स आई जी ये इक्वेशन वन हो गई आगे क्या कह रहे हैं द एडिशनल रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद आर वन टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर टू जीरो टू टू वोल्ट विल बी अब इसी वोल्ट मीटर में क्या किया गया इस R1 के साथ एक और रेजिस्टेंस R2 सीरीज में कनेक्ट कर दिया और फुल स्केल डिफ्लेक्शन का करंट अभी भी उतना ही है तो अब ये कितना मेजर कर पाएगा इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो क्या होगा G प्लस आर वन प्लस आर टू इंटू और वो कितना बताया हुआ है टू वोल्ट के बराबर टू वोल्ट तो ये हो जाएगा G प्लस आर वन प्लस आर टू टाइम्स आई जी ये हो जाएगा और ये हो गई इक्वेशन टू हमको बताना क्या है हमको बताना है वैल्यू ऑफ आर टू दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद आर टू फाइंड करना है तो इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा टू यहां लिख रहा हूं मैं टू ये आएगा एल एच एस में और आर एच एस में वो आई जी कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा जी प्लस जी प्लस आर वन प्लस आर टू यह आएगा और यह आएगा डिनोमिनेटर में जी प्लस आर वन उसका कर दिया क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जी प्लस आर वन और इसको सॉल्व करेंगे फॉर आर टू तो इसे ओपन करें इसे ओपन करें यहाँ लिखना पड़ेगा अब मुझे टू जी टू जी प्लस टू आर वन टू आर वन इक्वल्स टू क्वल टू जी प्लस आर वन प्लस आर टू ऐसी इक्वेशन बनेगी और आर टू हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों को ट्रांसपोज कर लेते हैं टू जी माइनस जी विल गेव जी और टू आर वन माइनस आर वन ये हो जाएगा आर वन एंड दिस इज आर टू तो आसान सवाल है आर टू कितना हो गया आर वन प्लस जी एंड सो ऑप्शन वन इज करेक्ट ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा तो आसान सवाल है तो अगला क्वेश्चन है थेरेटिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इस टॉपिक से वहां पर आपने पढ़ा हुआ है इन दो क्वांटिटीज को रिटेंटिविटी और क्वेरेसिविटी तो रिटेंटिविटी क्या होती है तो सरल शब्दों में समझते हैं रिटेंटिविटी मैं आपको याद दिलाता हूं रिटेंटिविटी का मतलब समझने के लिए यूं समझें कि स्पेसिमेन लेकर एक्सटर्नल फील्ड में जब उसको रखते हैं तो मैग्नेटाइज हो जाता है ये एक तरीका है उसे मैग्नेटाइज करने का एक्सटर्नल फील्ड के हटने पर उस स्पेसिमेन में कितनी मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगी उसको कहते हैं रिटेंटिविटी इट इज मेशर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिमेनिंग इन द स्पेसिमेन व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड उसको कहते हैं रिटेंटिविटी मतलब कितनी मैग्नेटिक फील्ड बची रह जाएगी दूसरी क्वांटिटी होती है क्वेरेविटी तो आप जानते हैं कि किसी मैग्नेटाइज स्पेसिमेन को हम डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं बाहर से फील्ड लगाकर तो कोरेसिविटी हमको यह बताती है इट इज मेजर ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज अमेन मतलब कितनी हमको बाहर से फील्ड लगाकर उसको डीमैग्नेटाइज करना पड़ेगा उसको कहते हैं क्योरेसिविटी अब इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल यूज फॉर मेकिंग ट मैग्नेट एक हैेंट मैग्नेट उसको पी से डिनोट किया ट्रांसफार्मर की कोर आपने सुना है कि वो सॉफ्ट आयरन की होती है फॉर द टाइप ऑफ मैगनेट रिक्वायर्ड जैसे परमानेंट मैगनेट है उसमें आप क्या चाहेंगे कि उसकी रिटेंटिविटी हाई हो इसका मतलब जब उसे मैग्नेटाइज कर रहे होंगे हम एक्सटर्नल फील्ड से तो फील्ड हटाने पर भी उसमें मैग्नेटिज्म बहुत सारा बचा रहना चाहिए इसका मतलब परमानेंट मैग्नेट यदि बनाना है तो रिटेंटिविटी उसको मैं आर लिख रहा हूं रिटेंटिविटी को कैसा होना चाहिए हाई ठीक है और क्रेसिविटी कैसी होनी चाहिए बाहर से यदि कोई स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड आ गई सपोज उस परमानेंट मैग्नेट के आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई तो भी उसका मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए इसका मतलब उसकी क्यूरेसिविटी को भी हाई होना चाहिए यानी पर्मानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए हम ऐसा मटेरियल लेंगे जिसकी रिटेंटिविटी क्यूरेसिविटी हाई हो और ट्रांसफार्मर में क्योंकि इसकी कोर बार बार मैग्नेटाइज डी मैग्नेटाइज होती है तो रिटेंटिविटी कम होना चाहिए ठीक है और क्यूरेसिविटी भी उसकी कम होनी चाहिए अब ऑप्शंस में आप देखेंगे तो सेकंड वाला आपको करेक्ट दिखाई देगा क्या बोला है सेकंड वाले ऑप्शन में कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए ऐसा मटेरियल यूज करो जिसकी रिटेंटिविटी लार्ज हो और कोरेसिविटी भी लार्ज हो बाकी आप देख लेना ऑप्शन टू जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट है तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं यह मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड इस टॉपिक से एन इलेक्ट्रॉन इज कंस्ट्रेन टू मूव अलॉन्ग वाई एक्सेस विद द स्पीड ऑफ पॉइंट वन सी एक इलेक्ट्रॉन पॉइंट वन सी से अलॉन्ग वाई एक्सेस मूव कर रहा है C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रो वेव भी है is, की उसकी इक्वेशन दी हुई है मीटर में द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन हम इस फॉर्मुले से बताएंगे चार्ज है और मूव कर रहा है मतलब वी भी है मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो इस फॉर्मूले से हमको फोर्स मिलता है वी भी साइन थीटा से बात हो रही है मैक्सिमम फोर्स की तो मैक्सिमम फोर्स के लिए ये तो कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वेलोसिटी भी उसकी दे रखी है पॉइंट वन सी मैग्नेटिक फील्ड को यहां मैक्सिमम लेना पड़ेगा बी नॉट उसके अलावा ये थीटा हो जाएगा नाइन्टी तब हमको मिलेगा मैक्सिमम फोर्स तो बस अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है क्यों कितना होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब 1.6 10 टू दी माइनस नाइनटीन कुलम वेलॉसिटी दे रखी है पॉइंट वन सी इन टर्म्स ऑफ सी स्पीड ऑफ लाइट और बी नॉट क्या होता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने पढ़ा हुआ है कि सी इज इक्वल टू होता है ई नॉट अपॉन बी नॉट ये आपने पढ़ा हुआ है मतलब यह है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड यह है मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इसका रेशो ही सी के बराबर होता है तो बी नॉट हमको यहाँ सब्सटीट्यूट करना है तो बी नॉट होगा ई नॉट अपॉन सी और ई नॉट यह है थर्टी थर्टी वोल्ट पर मीटर तो सब कुछ ऐसा में है तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है अपॉन सी तो ये सी कैंसिल आउट हो गया और यही हमारा आंसर होगा तो ये हो गया थ्री इंटू वन पॉइंट सिक्स 4.8 पॉइंट टाइम्स टेन रेज टू दी पावर माइनस 19 न्यूटन विल बी द फोर्स अब डायरेक्शन वायरेक्शन की चिंता करनी नहीं है कुछ पूछा ही नहीं है डायरेक्शन के बारे में हमसे तो पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स तो इस तरह इजीली वो सॉल्व हो जाएगा आंसर सी करेक्ट हो गया आंसर थ्री एस करेक्ट अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉयल वेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इस टॉपिक पर तो फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा टाव इज इक्वल टू तो क्या होता है एन आई ए बी साइन थीटा टाव इक्वल्स टू तो एन आई ए बी साइन थीटा सब कुछ इसमें आपको पता है इसमें एन है नंबर ऑफ टर्न आए उसमें से पास होने वाला करंट ए एरिया बी मैग्नेटिक फील्ड और ये थीटा क्या है बिटवीन एरिया पार माइनस फोर मीटर स्क्वेर इफ द टॉर्क ऑफ वन पॉइंट फाइव न्यूटन मीटर इज रिक्वाड टू की मैग्नेटिक फील्ड करेंट ऑफ पॉइंट फाइव एम पी एस फ्लोइंग थ्रू इट द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इन टेस्ला इज न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है कंडीशन क्या बताई हुई है ऐसा बोला है कि कॉइल को हमें कैसा रखना है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसी है वो कॉइल ये मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल को इस तरह बनाए रखना है करंट उसमें से पास हो रहा है आई नंबर ऑफ टर्न्स हैं एन उसका एरिया है ए और हमको इसे ऐसा बनाए रखने के लिए कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होता है वो है वन पॉइंट फाइव तो हमको बताना है वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है तो एरिया तो वेक्टर क्या होता है आप जानते हैं एरिया वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड्स ये होगा एरिया तो यदि वो कॉइल पैरेलल रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड से तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच वेक्टर एंगल हो जाएगा 90 और साइन 90 होता है वन तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है टाओ मैक्सिमम का टाओ इज इक्व टू एन आई ए बी अब टॉर्क कितना दिया है 1.5 न्यूटन इनटू मीटर मतलब एस यूनिट्स में एन एस गिवन टू बी 500 ये दे रखा है करंट है 0.5 फाइव मतलब 1 बाई टू एरिया है 3 इंटू टेन रेज टू दी पावर माइनस फोर वो भी मीटर स्क्वायर में है हमको ये b फाइंड आउट करना है तो कितना हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करेंगे इधर तो ये कितना हो जाएगा थ्री और इस थ्री से वो कैंसिल आउट तो b हमें चाहिए है तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा b बराबर हो जाएगा टेन रेज टू दी पार फोर अपॉन फाइव हंड्रेड ऐसा हो जाएगा देख रहे हैं आप ये माइनस चार है डिनोमिनेटर में जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और b चाहिए है तो कितना हो जाएगा टेन टू दी पावर फोर अपॉन फाइव हंड्रेड टेन टू पावर फोर मतलब चार जीरोस अपॉन पाँच सौ तो ये दो जीरो कैंसिल और पाँच से ये बीस बार कैंसिल होकर हमारा आंसर आ गया ट्वेंटी और यही इस क्वेश्चन का आंसर है न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है तो हमको आंसर करना है ट्वेंटी दिस इज द आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड का जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं और वो एंगल जीरो नाइन्टी ना हो तो आपको पता है वो हेलिकल पाथ पर मूव करता है इसमें बोल रहे हैं द फिगर शो अ रीजन ऑफ लेंथ एल यह है वो रीजन कितने का एल लेंथ का एल लेंथ का ये रीजन हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पॉइंट थ्री टेस्ला ये दिखाई हुई है फील्ड राइट एंड अ प्रोटॉन एंटरिंग द रीजन विद वेलोसिटी ऑफ फोर इंटू पर सेकंड एन एंगल ऑफ डिग्री विद द फील्ड ये दिखाई हुई है वो वेलोसिटी कितनी है वो वेलोसिटी है फोर इंटू टेन टू पार फाइव और मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस एंगल पर एंगल सिक्सटी डिग्री पर इफ द प्रोटॉन कंप्लीट टेन रिवोल्यूशन

उसके रोटेशन का जो प्लेन होगा वो बी से परपेंडिकुलर होगा तो इस तरह से वो जाएगा हमको इससे कोई लेना देना नहीं था हमको याद ही आ जाना चाहिए कि टाइम पीरियड कितना होगा उसका तो टाइम पीरियड होगा टू पाई एम अपॉन क्यू बी ये होगा टाइम पीरियड ठीक है और वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन की कितनी होगी तो वो हो जाएगी वी कॉस सिक्सटी फॉरवर्ड डायरेक्शन की इसलिए पिच कितना होगा पिच यदि निकालना है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी ये पहले भी हम कर चुके हैं वी कॉस थीटा इंटू टी ये होगा पिच और ऐसा बोला है कि उसने बाहर निकलने से पहले इस रीजन से बाहर निकलने के पहले कितने चक्कर लगाए इट कंप्लीट्स टेन रिवॉल्यूशंस तो दस रिवॉल्यूशन में वो कितना आगे बढ़ जाएगा तो एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टेन टाइम्स पिच ये हो जाएगा और पिच कितना है वो है वी कॉस्टा इंटू टी एंड टी इज टू पाई एम अपॉन क्यू बी तो फेरी तो ये है अब हमसे पूछा क्या है उसने हमसे पूछा हुआ है क्या पूछा क्या है ये देख लेते हैं एल इज क्लोज टू एल ही फाइंड आउट करना है मतलब इधर सब क्वांटिटीज़ सब्स्टिट्यूट करनी है इधर सब क्वांटिटीज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये दस वेलोसिटी कितनी है वेलॉसिटी इज फोर इंटू टेन टू दाइव कॉस थीटा वो सिक्सटी है तो यह हाफ हो जाएगा फिर यह टू पाई मास ऑफ प्रोटोन तो ये लिख रखा है मास वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दाइनस सत्ताईस ये हो गया अपॉन चार्ज इंटू फील्ड चार्ज ये है पार माइनस नाइनटीन इसीलिए दिया है दोनों 1.6 की आराम से कैंसिल हो जाए सिक्स सेवन है अच्छा ये सिक्स सेवन है और और क्या मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट थ्री टेस्ला एस SI आई में ही है तो ये सब कुछ आपको सॉल्व करना पड़ेगा आंसर आएगा मीटर में और इसको सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि आपका आंसर आएगा पॉइंट फोर फोर मीटर मैंने कैलकुलेटर से किया है आप अवॉइड करो कैलकुलेटर वैसे भी ये हो जाएगा आपसे आराम से आप देख रहे हैं ज़्यादातर तो टेन की पावर्स हैं और ये दो से ये दो कैंसिल होगा दो बार आराम से सॉल्व ये हो जाता है तो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट पॉइंट फोर फोर मीटर विल बी द आंसर तो दबे अगला क्वेश्चन यह है पैरा मैग्नेटिक सैंपल शोज अ नेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ सिक्स एमपी पर मीटर यूनिट से पता लग रहा है ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पॉइंट फोर टेस्ला एट अ टेम्परेचर फोर कैलविन ये पहली कंडीशन वेन द सैंपल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पॉइंट थ्री टेस्ला तो यह है ये हैं कौन सी मैग्नेटिक फील्ड हैं जो मैग्नेटाइजेशन के लिए लगाई गई हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड्स तो क्या बोल रहे हैं पहली बार उस सैंपल को रखा 0.4 टेस्ला की फील्ड में एट टेम्परेचर 4 केल्विन दूसरी बार एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गई पॉइंट थ्री और टेम्परेचर है ट्वेंटी फोर द मैग्नेटाइजेशन विल बी पहले केस का मैग्नेटाइजेशन दिया हुआ है दूसरे काम को फाइंड आउट करना है तो कैसे सोचेंगे जाए एम. जाए एम आप जानते हैं क्या होती है ये ससेप्टिबिलिटी और ये कितनी होती है आए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन यहां आती मैग्नेटाइजिंग फील्ड और क्यूरी लॉस है आप जानते हैं कि ये टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट पुट कर सकते हैं कांस्टेंट पुट कर लेंगे और हमसे पूछा क्या है इसके बारे में बात हुई है तो आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं आई प्रोपोर्शनल टू एच ये एच क्या है यह है मैग्नेटाइजिंग फील्ड ठीक है तो आई टू बाय आई वन कंपेरिजन ही करना है हमें आई टू आई वन बराबर क्या हो जाएगा एच टू बाच वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए और टेम्परेचर से इनवर्स प्रोपोर्शन है इसलिए यहाँ आएगा टी वन और यहाँ आएगा टी टू बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आई टू के लिए इसे सॉल्व कर देना है एच टू एच टू इज पॉइंट थ्री एच वन इज पॉइंट फोर टेम्परेचर पहले वाला कितना है फोर केल्विन और बाद वाला टेम्परेचर कितना है चौबीस और पहले वाली ये इंटेंसिटी कितनी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सिक्स आई टू हमको फाइंड करना है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा ये ये छः से ये चार बार कैंसिल और ये खत्म थ्री बाय फोर तो बस ये आई टू आ गया थ्री बाय फोर दैट इज पॉइंट सेवन फाइव एम पर मीटर में एंड सो ऑप्शन टू इज करेक्ट ऑप्शन टू करेक्ट हो गया अगला क्वेश्चन करेंगे सर्कुलर कॉयल हैज मोमेंट ऑफ एनर्शा पॉइंट एट के जी मीटर स्क्वायर अराउंड एनी डाईमीटर एंड इस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्वेंटी एम पी ओ मीटर स्क्वायर या कैपिटल ए होना चाहिए था तो क्वाल है उसका मोमेंट ऑफ एनर्शा दिया हुआ है अबाउट एनी डायमीटर यानी हाफ एम आर स्क्वा हो सकता है उसकी जरूरत पड़े हमें आगे बोल रहे हैं उसमें करंट फ्लो हो रहा है कॉयल में और इतना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है मतलब मैग्नेट जैसा बिहेव कर रही है यह है उसका मैग्नेटिक मोमेंट एन आई ए उसका फॉर्मूला होता है द इज स्केप्ड इनिशियली इन अ वर्टिकल पोजिशन एंड इट कैन रोटेट फ्रीली अराउंड अरिजोनटल डायमीटर ऐसी है वो कॉयल और इसके अबाउट वो रोटेट हो सकती है वेन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर टेस्ला इज अप्लाइड अलॉन्ग द वर्टिकल ऐसी लगा दी मैग्नेटिक फील्ड इसमें करंट भी फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका होगा नॉर्मल आउटवर्ड यह है बी एंगल बिटवीन एम एंड बी होगा 90 डिग्री पहले अभी इस वक्त व्हेन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर इज अप्लाइड अलोंग वर्टिकल इट स्टार्ट्स रोटेटिंग अराउंड इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर ये रोटेट होने लगती है एंगुलर स्पीड मान लेते हैं इसकी है ओमेगा द एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉइल अक्वायर्ड या इट अक्वायर्स आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री विल बी तो ज्यादा मत सोचो ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक बढ़ जाएगी और 60 डिग्री की पोजीशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी उसको एम बी थीटा लिख लो ज्यादा विचार ना करते हुए क्योंकि वहां इतना वक्त होता नहीं है तो बस इसमें से हम निकाल लेंगे एंगुलर स्पीड तो थोड़ा अलग तरह से मैंने करने की कोशिश की है इस बार जैसा मेरा स्टाइल है उससे थोड़ा अलग किया है बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं होता है क्या हो रहा है उनको आंसर से लेना देना होता है जनरली तो एम कितना हो गया एम दे रखा है ट्वेंटी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है मैग्नेटिक फील्ड है फोर टेस्ला की और कॉस्ट थीटा थीटा कितना है सिक्सटी तो कॉस्ट सिक्सटी इज हाफ इसको ओमेगा के लिए हमको सॉल्व करना है रेडियन पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा तो ये दो से कितनी बार कैंसिल पॉइंट फोर टाइम्स और ये डेसिमल हटा दें यदि तो यहाँ दस आ जाएगा ये फालतू में मैं इसको ऐसा सॉल्व कर रहा हूँ कोई बात नहीं ये दस हुआ तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके के सौ हो गया तो ओमेगा आ गया आपका टेन रेडियन पर सेकेंड तो इस तरह सॉल्व हो जाएगा और ये ऐसा सब क्यों हो रहा है फॉर्मूले कौन से लग रहे हैं वो आप विचार करना उसके ऊपर ये तो आप जानते हैं फार्मूला वो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ मेरा मन नहीं मानता है मैं आपको बता देता हूँ वो होता है माइनस एम बी कॉस्थीटा ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ठीक है इसका आंसर है हाल फिलहाल टेन रेडियन पर सेकेंड आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन करते हैं स्क्यर लूप ऑफ साइड टू ए स्केरिंग करंट आई इसके प्लेन विदर एट और इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक्स वाई प्लेन में एक स्क्वेयर लूप रखा हुआ है जिसकी साइड कितनी है टू ए और उसमें करंट फ्लो हो रहा है आई तो ये बना लिया मैंने एक्स वाई प्लेन ये हो गया एक्स वाई प्लेन और इस प्लेन में यह है मान लो वो स्क्वेयर कॉइल छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं रेफरेंस के लिए बस इस तरह की रखिए वो कॉइल और ये है मान लो उसमें करंट ठीक है अब आगे क्या बोल रहे हैं अ लॉन्ग वायर कैरिंग द सेम करंट आई इस प्लेस पैरल टू जेड एक्सेस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट जीरो बी जीरो बी वेरी वेरी मच लार्जर देन ए ये टू ए इसकी साइड है और हमसे बोला है कि y कोऑर्डिनेट उस वायर का है b और b कैसा है वेरी मच लार्जर देन a ऐसा एक वायर रखा हुआ है z एक्सिस के पैरेलल तो यह है x ये है y तो z एक्सिस ऐसा होगा बोर्ड से परपेंडिकुलर उसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ ड्रा कर लेते हैं और ये मानेंगे यह है वो वायर और उसमें यह है करंट जो दिखाया हुआ है मैंने यदि उसमें बह रहा है तो कितना बह रहा है करंट आई ठीक है आई करंट उसमें फ्लो हो रहा है इस तरह का वो वायर है और उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है मतलब बी वो ए के सामने बहुत ज़्यादा है द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द लूप अबाउट जेड एक्सेस विल बी इसके ऊपर टॉर्क निकालना है हमको तो टॉर्क का रीजन क्या होगा ये करंट कैरिंग वायर है ये इसकी लोकेशन पर फील्ड प्रोड्यूस करेगा इसके सेंटर पर और ये लूप आ जाएगा जो खुद करंट कैरिंग है इस मैग्नेटिक फील्ड में जो इस वायर ने प्रोड्यूस किया है इसके ऊपर टॉर्क आएगा आए ही आएगा और टॉर्क कितना होगा तो टॉर्क होगा एन आई ए बी साइन थीटा ये होता है टॉर्क है ना करंट कैरिंग लूप इसमें से बी कौन प्रोड्यूस करेगा बी ये वायर प्रोड्यूस करेगा अब थीटा कितना होगा थीटा क्या है एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है अब यदि ये वायर है और इसके चारों तरफ इस तरह की फील्ड होगी तो फील्ड लाइंस इसके प्लेन से पैरेलल हो जाएंगी ठीक है इसके प्लेन से पैरेलल, तो एरिया होगा नॉर्मल ड्रॉन और फील्ड होगी इस वायर ने जो प्रोड्यूस की वो बोर्ड के प्लेन में एंगल हो जाएगा 90, तो ये साइन 90 तो वन हो जाएगा इसकी चिंता नहीं करें थीटा 90 होगा ठीक है टॉर्क हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्न्स इसमें बताया गया कुछ नहीं बताया तो एन तो वन हो जाएगा इसमें करंट कितना है स्क्वेयर लूप में इसमें है करंट आई तो यहाँ आ गया ये आई ठीक है और ये आई आ गया एरिया इसका कितना होगा तो एरिया हो जाएगा इसका टू ए स्क्वेड होल स्क्वायर ये एरिया हो गया और फील्ड कितनी होगी फील्ड ये वायर प्रोड्यूस कर रहा है तो कितनी होगी वो म्यू नॉट अपॉन फोर पाए टू आई बाय डी लॉन्ग वायर के लिए फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे म्यू नॉट अपॉन फोर पाए टू आय अपॉन डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दे रखी है बी ये हो जाएगा हमारा आंसर इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है ये हो गया चार और ये दो आठ या फिर आप इसको दो से कैंसिल कर दें तो भी चलेगा काम तो ये हुआ फोर है ना फोर आएगा और ये टू भी कैंसिल कर दें तो सिर्फ टू बचेगा ऊपर तो टू उसके अलावा ये आई और ये आई मिलकर आई स्क्वायर फिर ये ए स्क्वायर म्यू नॉट नहीं भूलना है और नीचे पाई बी शायद कुछ नहीं छूटा है तो यही इसका आंसर होगा और इसको मैच करते हैं यहाँ पर किससे मैच हो रहा है ये टू आई स्क्र ए स्क्र म्यू नॉट टू आई स्क्वेयर ए स्क्वायर म्यू नॉट ये तो सही है नीचे पाई बी तो ये सही होना चाहिए टू आई स्क्र ए स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन पाई बी एन सो ऑप्शन ए एस करें तो आसान है पर थोड़ा इमेजिनेशन लगेगा है ना तो ये आपसे बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से ऑप्शन वन इज करें तो अगला क्वेश्चन करेंगे ये अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी माइनस वी आई कैप वी इज नॉट इक्वल टू जीरो टुवर्ड्स अ लार्ज स्क्रीन प्लेस्ड इन द वाइज प्लेन एट अ डिस्टेंस d बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है बहुत बार आ चुका है तो ये है वो वाई प्लेन और एक पार्टिकल नेगेटिव एक्स में मूव कर रहा है तो ये हो गई जेड एक्सेस ये वाई एक्सेस और वो पार्टिकल एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है मान लो यहां से उसने चलना शुरू किया है मास चार्ज क्यू का ये पार्टिकल वेलोसिटी वी से नेगेटिव एक्स में मूव कर रहा है और ये डिस्टेंस कितनी है ये डिस्टेंस बताई हुई है डी आगे क्या बोल रहे हैं

तो उसका पाथ कैसा होगा वो सिर्फ इतना जान लेना काफ़ी है कि वो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा क्यों क्योंकि उसकी वेलोसिटी कैसी है मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर वेलोसिटी है एक्स में मैग्नेटिक फील्ड है जेड में वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मतलब सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा सर्कुलर पाथ वो फॉलो करेगा और सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होगी तो वो आपको याद होगा उसका फॉर्मूला एम वी अपॉन क्यू बी और न टकराने की शर्त क्या होगी न टकराने की शर्त ये होगी कि d ग्रेटर देन और इक्वल टू r हो ये कंडीशन हो जाएगी तो d इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी यानी हमको तो v मिनिमम चाहिए मिनिमम चाहिए है ना तो v इज़ लेस देन दिस इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यानी क्वालिटी सॉल्व करना आपको आती होगी तो क्यू डी बी वो बी कितना है बी नॉट अपॉन एम ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए ज्यादा या बराबर किससे से वी से तो मिनिमम वी कितना होगा क्यू डी बी नॉट अपॉन एम एंड सो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ऑप्शन थ्री इज करेक्ट इस तरह का सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है पहले भी तो ये इसका आंसर है आंसर थ्री इज करेक्ट तो अगला क्वेश्चन करेंगे क्या बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलॉन्ग प्लस एक्स डायरेक्शन तो ये प्लस एक्स डायरेक्शन में मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से सिक्स इंटू टेन रेज टू दी पार्स मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है इट एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ थ्री हंड्रेड वोल्ट सेंटीमीटर पॉइंटिंग अलॉन्ग प्लस वाई डायरेक्शन तो ये प्लस वाई डायरेक्शन हो जाएगी और इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है थ्री हंड्रेड वोल्ट पर सेंटीमीटर की एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो यह है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड कितना है थ्री हंड्रेड वोल्ट पर सेंटीमीटर तो इस क्वेश्चन में एक तो इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना है नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर सेंटीमीटर में ये भी ध्यान देना पड़ेगा तो होगा क्या इस इलेक्ट्रॉन पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से एक फोर्स आएगा वो फोर्स मैग्नीट्यूड में कितना होगा स्मॉली इंटू कैपिटल है और उसका डायरेक्शन क्या होगा फील्ड से ऑपोजिट मतलब इधर एक्ट करेगा ये इलेक्ट्रिक ओरिजिन का फोर्स ये उसका मैग्नीट्यूड आगे क्या बोल रहे हैं द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इन दिस रीजन सच दैट द इलेक्ट्रॉन कीप्स मूविंग अलॉन्ग प्लस एक्स डायरेक्शन विल बी हम चाहते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन जो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में वो मूव करता रहे मतलब उसकी वेलोसिटी कैसी रहे कांस्टेंट तो केवल यदि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी तो वो तो डिविएट हो जाएगा तो हम ये चाहेंगे कि इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए और नेट फोर्स जीरो होने के लिए हम एक मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करेंगे और यदि वो फोर्स इससे इक्वल और ऑपोजिट हुआ तो इसकी वेलोसिटी अनचेंज रहेगी और ये स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही मूव करता रहेगा मतलब कंडीशन तो सिर्फ ये है कि ई इलेक्ट्रिक ओरिजिन का फोर्स मैग्नेटिक ओरिजन के फोर्स के बराबर हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगानी पड़ेगी तो फोर्स यहाँ प्रोड्यूस करना पड़ेगा ई वी बी और फोर्स यदि इधर प्रोड्यूस करना है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड को जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा वो जो फील्ड होगी वो इधर एक्ट कर रही होगी मैग्नेटिक फील्ड बी इधर एक्ट कर रही होगी ऐसा क्यों क्योंकि फोर्स हमें चाहिए वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में या तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से या फिर लेफ्ट हैंड रूल से इसको जस्टिफाई आप कर सकते हैं ये है, मतलब नेगेटिव ठीक है फोर्स चाहिए है आपको ऊपर फोर्स y की पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑब्वियसली कैसा चाहिए है? आपको मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल आउटवर्ड मतलब z की पॉजिटिव डायरेक्शन में तो कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं वन या टू ठीक है और मैग्नीट्यूड इधर से निकल आएगा उस मैग्नेटिक फील्ड का इसको आगे सॉल्व करने के लिए बी इक्वल्स कितना लिखेंगे तो बी इक्वल्स हो जाएगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड कितने की है तो थ्री हंड्रेड वोल्ट पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर का बना देंगे मीटर ठीक है और वेलोसिटी कितनी है सिक्स इन टेन रेज टू दी पावर सिक्स सब कुछ ऐसा है आ गया तो आंसर आपका टेस्ला में आ जाएगा तो ये दोनों मिलकर कितने हुए और कुछ छूट तो नहीं गया है 300 हंड्रेड इज इलेक्ट्रिक फील्ड पर सेंटीमीटर में उसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, और नीचे है वेलोसिटी टू तो बस यहाँ रह जाएगा छ और ये दोनों मिलकर क्या होंगे टेन टू दी पावर फोर ऊपर जाकर ये होगा माइनस फोर और ये कितना हो जाएगा पचास तो फिफ्टी टाइम्स

तो करंट लूप जैसा बिहेव करता है आगे बोल रहे हैं पार्टिकल ऑफ मास एम कैरिंग चार्ज क्यू इज मूविंग इन अ प्लेन विद स्पीड वी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास है एम और चार्ज है क्यू मतलब पॉजिटिव चार्ज है और वो रिवॉल्व हो रहा है सर्कल में विथ स्पीड वी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड बी तो यहां ये इंफॉर्मेशन तो दी है कि वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और उसका मास है एम और हम मान लेते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी तो वो बी कैसी होगी तो ये प्रॉपर्टी है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर एंटर होता है तब वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है रिवॉल्व होता है तो कैसी होगी वो फील्ड उसको जानने के लिए इस तरह आप उसे याद ला सकते हैं तो अक्सर बताता हूं एन और एन डी ए से आप सेंस ऑफ रोटेशन पता कर सकते हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि नेगेटिव चार्ज यदि क्रॉस की फील्ड में क्रॉस की फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर होगा तो क्लॉकवाइज उसका रिवोल्यूशन होता है और नेगेटिव चार्ज यदि डॉट की फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर होगा तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो ये नेगेटिव चार्ज की बात हो गई तो पॉजिटिव चार्ज के लिए किस तरह की बात होगी तो बस यहाँ पॉजिटिव कर दो सी स्टैंड फॉर क्रॉस तो यहाँ ए आने लगेगा मतलब पॉजिटिव चार्ज इफ एंटर्स इन अ फील्ड ऑफ क्रॉसेस परपेंडिकुलर टू द फील्ड देन इट रोटेट्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पी सी ए इसी तरह यहाँ बना लो ये हो जाएगा पी डॉट की फील्ड तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा इस तरह याद ला सकते हैं आप तो यहाँ ये चार्ज कैसा है पॉजिटिव चार्ज इसका रोटेशन हमने कैसा मान लिया है हमने मान लिया है इसे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव चार्ज एंटी क्लॉकवाइज ठीक है पॉजिटिव चार्ज एंटी क्लॉक यानी फील्ड कैसी होगी फील्ड होगी क्रॉस की फील्ड इसका मतलब इस तरह की कोई फील्ड यहाँ एक्ट कर रही है ये हो गई फील्ड और इसी के इन्फ्लुएंस में ये चार्ज पार्टिकल एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा है बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे ये हो गई फील्ड और इसकी जो वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से एंटर हुआ होगा वो वेलोसिटी यहाँ पर होगी ये होगी उसकी वेलोसिटी वी साफ तौर पर वी है बोट के प्लेन में और ये है बोट से परपेंडिकुलर तो इसको तो होना ही है सर्कल में रिवॉल्व ठीक है अब हमको बताना क्या है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस मूविंग पार्टिकल तो ये क्या बन गया है करंट लूप इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है एन आई ए तो एन तो वन हो गया करंट इसमें बताया हुआ नहीं है तो चार्ज पार्टिकल है ठीक है करंट नहीं है चार्ज पार्टिकल है मान लो किसका टाइम पीरियड है टी तो करंट कितना होगा करंट होगा क्यू अपॉन कैपिटल टी चार्ज अपॉन टाइम पीरियड ये हो गया आई हम फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं एम इज इक्व टू एन आई ए ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला तो एन तो वन हो गया आई हो गया क्यू अपॉन कैपिटल कैपिटलिटी और यहां आएगा एरिया यहां आएगा एरिया तो मान लो कि आर रेडियस के सर्कल में ये रिवॉल्व हो रहा है तो एरिया कितना हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर है? अब इस टाइम पीरियड को रेसिप्रोकेट कर दें तो क्या मिलता है हमको फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है यह है लीनियर फ्रीक्वेंसी तो इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा क्यू ओमेगा अपॉन टू पाई इंटू पाई आर स्क्वायर ऐसा होगा ये पाई कैंसिल और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं वी बाई आर तो क्यू आर स्क्वायर ओमेगा इज वी बाई आर वी ये होगा ओमेगा वी अपॉन आर तो वी तो ऊपर आएगा कि मैंने गड़बड़ कर दी है यहां पर ये वी यहां आएगा और यहां आएगा आर ठीक है एक आर कैंसिल होकर ये आ रहा है वन बाई टू क्यू आर वी अब यहां आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्यू वी अपॉन टू और अब आर की वैल्यू आर कितना होता है वो होता है एम वी अपॉन क्यू बी तो क्यू कैंसिल क्यू कैंसिल क्या आ गया एम वी स्क्वेर अपॉन एम वी स्क्वेर अपॉन टू बी ये मैग्नेटिक मोमेंट का क्या आ गया है ये आ गया है ये है मैग्नीट्यूड ठीक है एम वी स्क्वेयर अपॉन टू यहां कहीं दिखाई दे रहा है आपको एम वी स्क्वेयर अपॉन टू तो देखो एम वी हर ऑप्शन में है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सिर्फ b किसी में भी नहीं है सब में बी स्क्वेयर है पर इसमें पाई आ रहा है मतलब ये तो हो नहीं सकता है तो अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ठीक है अब क्या करें इसके लिए हम b b में कुछ डायरेक्शन है b की डायरेक्शन का यदि आप यूनिट वेक्टर निकालोगे ठीक है यूनिट वेक्टर निकालोगे तो कैसे आएगा b वेक्टर अपॉन इट्स मॉड्यूलस और ये इसका यहां मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा b वेक्टर और नीचे b का मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा स्क्वायर पर होगा क्या कि M को अब ये वेक्टर बन गया और उसे B की डायरेक्शन मिल जाएगी जबकि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी दाहिने हाथ को इस तरह अधूरा खुला रख कर रखेंगे ऐसे पॉजिटिव चार्ज का रिवॉल्यूशन है बाहर फील्ड है अंदर क्योंकि एम की डायरेक्शन बी से जस्ट ऑपोजिट है तो यहाँ एक माइनस साइन दे देंगे और ये हमारा आंसर होगा एम बी स्क्र अपॉन टू बी बी वेक्टर विद माइनस साइन दिस इज वाई ऑप्शन थ्री इज करेक्ट तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है बहुत सारा कैलकुलेशन भी है और बहुत सारा सोचना भी पड़ेगा तो इसको आप ज़रूर सॉल्व करेंगे